हेलो एवरीवन, ये अपनी थर्ड वीडियो है जी। फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस के संबंधित, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड योगा और प्रैक्टिकल फाइल के मटीरियल के संबंधित, इस बैलेंस डाइट एंड इट्स इंपोर्टेंस मिल जूगी। संतुलित भोजन और उसकी महत्ता के बारे में मटीरियल पंजाबी मीडियम के मिल जाएगा। वीडियो वधिया लगी तो वीडियो लाइक तो चैनल सबसक्राइब जरूर करियो जी। आओ स्टार्ट करते हैं आप जी वीडियो। पौष्टिक भोजन और संतुलित भोजन के बारे में लिखा हुआ इन वाली जो वक् वक् व्यक्तियों लिए संतुलित भोजन लिखा हुआ कि किन्नी उम्र तक जरा व्यक्ति जो भोजन लेना चाहिए, जेकर बच्चा तो उन्होंने किन्ना भोजन लेना चाहिए, जेकर एक व्यक्ति है तो उन्होंने किन्ना भोजन लेना, उनकी डिटेल दी हुई है। तो तुसी जिहड़ा भी तुहानू लगता कि असं लिखना चाहते अपनी फाइल के लिख सकते हो इन पढ़ के। ये पेज नंबर पहला फर्स्ट सेकंड से हूँ थर्ड ते फोर्थ है। ये दस्या है कि किंदे किंदे दे विच्चो आपां जिहड़े आ प्रोटीन मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं किस भोजन दे विच। पिक्चर भी बनिया हुई ने, इस पिक्चर भी अपनी फाइल दे विच बना सकते हो। भोजन पकाने के बारे में दसिया कि किदां दा भोजन सानू जिहड़ा खाना चाहिए। दुध के बारे में भी लिखे, दुध नू जिहड़ा संपूर्ण भोजन गिणिया गया। भोजन खाने संबंधी भी कुछ नियम होंगे। ये होर मटीरियल है संतुलित भोजन का, ये तुसी इन्हें लिख सकते हो संतुलित भोजन के बारे दे सकते हो कि होंगे संतुलित भोजन। उस तो बाद भोजन के मुख काम ये महत्व दे विच दे सकते हो। उन्होंने लिखा ना बैलेंस डाइट एंड इट इज़ इंपोर्टेंस, तो उन्हें विच तुसी ये वाली महत्ता दे सकते हो, जिवें शरीर का वाधा विकास करना, शक्ति का सोमा, शरीर का तापमान, तो बेजान सलां का सुरजीत होना, उस अगे शरीरक प्रणालियों का ठीक काम करना, इनू तुसी महत्ता दे विच दे सकते हो। तो संतुलित भोजन की हुंदा, भोजन मनुखी जीवन लई जरूरी है। जिस तरह मनुख का जीवना हवा ते निर्भर है, उसे तरह भोजन भी मनुख नूं जिउंदा रखने लई जरूरी है। ये भोजन ही है जिसनों प्राप्त करने लिए मनुख हर तरह के कष्ट उठाते हैं, जां दूसरी तरह यह कहा जा सकता है कि जिंदगी दे सारे रुझेवे भोजन प्राप्त करने लिए किए जाते हैं। भोजन प्राप्त करने लिए असी अपनी समझ, ताकत ते पैसा इसलिए लाउंदे हाँ क्योंकि सानू भोजन के बहुत लाभ हैं। संतुलित भोजन वह है जिस में शरीर में लोड़ीदे सारे तत् नियमित मात्रा में शामिल हो, जिवें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, खनिज, लून, पानी, विटामिन, फोकट आदि। ये मीनिंग लिखा है। तो उस तो बाद आवली जी महत्ता, उस तो बाद थोड़ी डिटेल दस्या हुआ कि कार्बोहाइड्रेट, खनिज, मतलब पूरी डिटेल दिता हुआ। घाट के कारण की होंगे प्रोटीन की डिटेल दी हुई है।
ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।